Namaskar. Welcome to CAM Shiksha. This particular question is from IIT Advanced 2015 paper. And this question is from the section called Solid State. Very important question. ध्यान से देखना, लेकिन easy है. थोड़ा सा कभी कभी बच्चों को complicated लगती हैं चीजें, लेकिन इतना कोई बहुत भयानक नहीं है. आप ध्यान से करने की कोशिश करो, प्यार से ही क्वेश्चन हो जाता है. बहुत ध्यान से देखना. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इफ द यूनिट सेल ऑफ मिनरल हैज सीसीपी स्ट्रक्चर. सीसीपी आप में से कुछ बच्चों को अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं, एफसीसी को ही सीसीपी भी बोलते हैं. कह रहे हैं सीसीपी में कौन है, ऑक्सीजन 2 माइनस आयन अरेंज है. ऑक्सीजन 2 माइनस तो सीसीपी में अरेंज है, ठीक है. फिर कह रहे हैं एम फ्रैक्शन ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइस और ऑक्यूपाइड बाय एल्यूमिनियम 3 प्लस आयन. लिखते चले क्या कहीं पे, ऑक्सीजन 2 माइनस ने तो क्या बना रखा है, एफसीसी बना रखा है. और क्या कह रहा है, और आपसे कह रहा है कि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है उनमें कौन फिट हो रखा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में फिट हो रखे हैं आपके कौन, एल्यूमिनियम 3 प्लस आयन. ऑब्वियसली मैं ऐसे लिख देता हूं, एल्यूमिनियम 3 प्लस आयन आपके कहां पे ऑक्यूपाइड है, वो है आपके m फ्रैक्शन ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड, m इनटू यू कैन से नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऐसा कह सकते हो, ठीक है. और अगली लाइन क्या कह रहा है, m फ्रैक्शन ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाइड बाय द mg 2 प्लस आयन. mg 2 प्लस आयन कहां ऑक्यूपाइड है, n टाइम्स द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड. इतनी सी सिंपल सी कहानी आपसे कह रहा है, बहुत सिंपल सी कहानी है. आपको एक देखो, एक ये फैक्ट तो आपको पता होना चाहिए. वैसे तो खैर फैक्ट क्या, आपको ये इसकी डिटेलिंग भी कराई जाती है, आपको इसके लॉजिक्स बताए जाते हैं कि ये आता कहां से, लेकिन आपको ये फैक्ट पता होना चाहिए कि कभी भी एफसीसी के लिए या एचसीपी के लिए ये हमेशा होल्ड करता है कि अगर आपको नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स निकालने हैं तो ऑलवेज 2 × z इफेक्टिव होता है. और अगर नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आपको कभी भी निकालने हैं तो वो क्या होता है, वो सीजर जेड इफेक्टिव के बराबर होता है. और आपको पता है कि फिलहाल इस क्वेश्चन में एफसीसी के ऊपर क्वेश्चन है, एचसीपी के ऊपर तो है नहीं. एफसीसी की अगर बात करूं तो एफसीसी का जेड इफेक्टिव कितना होता है, एफसीसी का जेड इफेक्टिव होता है आपका 4. आपको याद होगा ना, हम निकालते थे 8 कॉर्नर वाले एटम हैविंग 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस 6 फेस वाले एटम हैविंग हाफ कॉन्ट्रीब्यूशन. तो इससे कैलकुलेट करके आपका जेड इफेक्टिव कितना, 4 आ जाता था. तो जेड इफेक्टिव अगर आपका 4 आ गया तो सिंपली यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है कि टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड आपके पास 8 होंगे, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपके पास 4 होंगे. इतनी बात पकड़ में आ गई, बस ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व. बड़े ध्यान से देखो, अब आपके पास एफसीसी पे तो ऑक्सीजन 2 माइनस आयन, एफसीसी के ऑक्सीजन 2 माइनस आयन मतलब ऑक्सीजन 2 माइनस कितने होंगे, 4 होंगे, 4 ऑक्सीजन 2 माइनस है. और एम इंटू 8 कितना क्या है, एल्यूमिनियम 3 प्लस है. और 4 इंटू एन आपके क्या है, सॉरी मैंने उल्टा बोला, एन इंटू 8 आपके क्या है, एमजी 2 प्लस आयन है, और 4 इंटू एम आपके एल्यूमिनियम 3 प्लस आयन है. तो ऐसे में आपसे सिंपली बस ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि ये जो m और n है इनकी क्या वैल्यूज इन चारों में से फिट हो सकती है. तो देखते जरा, तो अगर मैं यहां से कहूं तो एक सबसे बड़ी बात क्या पकड़ में आती है कि अगर आप देखो तो ये यहां से कितने पकड़ में आ गए, ये तो 4 है, ये कितने पकड़ में आ गए, ये हो गए आपके m इंटू कितना बोला मैंने अभी, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड ना, 4. और ये कितने हो गए, ये हो गए n इंटू 8, ये भी पकड़ में आ गए. अब अच्छा एक बात बहुत ध्यान देना मेरी कि कभी भी अगर कोई स्टेबल मॉलिक्यूल बन रहा है सॉलिड स्टेट में, कभी कोई स्टेबल चीज बन रही है तो ऑब्वियसली जो चार्जेस होंगे वो बैलेंस्ड होंगे, ठीक है. इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनेगा. तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनाने के लिए तो टोटल यू कैन से पॉजिटिव चार्जेस टोटल नेगेटिव चार्जेस के इक्वल होने चाहिए. तो टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल नेगेटिव चार्ज के बराबर आना चाहिए. तो टोटल पॉजिटिव चार्ज को अगर मैं टोटल नेगेटिव चार्ज के बराबर करूं तो पॉजिटिव चार्ज कितने होंगे, 4m तो आपके पास 3 प्लस वाले हैं और 8n आपके पास 2 प्लस वाले हैं. तो यू कैन से कि 4m इंटू प्लस 3 प्लस कितना 8n इंटू प्लस 2, ये तो हो गए टोटल पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है जी, इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्जेस. तो 4 है ऑक्सीजन और चारों ऑक्सीजन पे एक एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस है. तो इसका मतलब कितना है, टोटल नेगेटिव चार्ज कितने होंगे आपके पास, 2 × 4. मैग्नीट्यूड वाइज बात करते हैं हमेशा, ठीक है. तो 2 × 4, तो यहां से अगर मैं निकालता हूं तो इक्वेशन क्या आ जाती है, 4 × 3 = 12, 12m प्लस 8 × 2 = 16, 16n इज इक्वल टू कितना, 8. तो बस इस इक्वेशन को पकड़ लो और एक एक करके चारों ऑप्शन इसमें फिट कर दो और देखो जरा चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे फिट हो रहा है. जैसे यहाँ पे पहले ऑप्शन फिट करूं तो यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू हाफ डालूं और इसकी वैल्यू मैं अगर 1/8 डालूं तो क्या वो 8 के बराबर आ जाएगी. देखना जरा, हाफ डालूंगा तो ये 6 हो जाएगा, 1/8 डालूंगा तो ये 2 हो जाएगा, 6 + 2 ये 8 हो जाएगा. तो अगर आपका आंसर 8 आ रहा है तो ऑब्वियसली ये आपका आंसर होगा. तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर ए, दिस विल बी योर आंसर, ऑप्शन ए.
अगर आप चाहो तो ऑप्शन बी सी डी को भी इसी तरह से यहाँ पे एम और एन की जगह पे सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हो। अगर 8 आ रहा होगा तो हो सकता है मल्टी करेक्ट में और भी कोई ऑप्शन सही हो, लेकिन वैसे अगर आप देखोगे तो बी सी डी पे मैच नहीं करेगा, सिर्फ ए पे मैच कर रहा है। दैट्स व्हाई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन ए, और इस तरह के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सॉलिड स्टेट से बहुत भयानक क्वेश्चन नहीं आता, ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं लेकिन आपको वो अप्रोच करने आने चाहिए। Okay, so I hope I helped you. Please subscribe to MC Shah. Thank you.